हम कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ ये पीस कलर की बन है इस तरह के, इनसे हम बनाएंगे बर्गर। ठीक है, सिर्फ सुपर सुपर बर्गर बनाएंगे। और ये मैंने चिप्स काट के रखे हैं, इसमें मैंने नमक और कॉर्नफ्लोर मिलाया है। अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे चिप्स फ्राई हो गए हैं। फ्राई हो जाएँ तो उसके बाद में फिर आपको आगे का प्रोसीजर बताऊँगी कि किस तरह हम होममेड बर्गर बना सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और कम प्राइस में। ये हमने फ्राइज बना लिए हैं, इसके बाद हम आगे का प्रोसीजर लेके चलेंगे। मैंने आपको बताया कि मैंने इस पर नमक और कॉर्नफ्लोर लगा के इसको फ्राई कर लिया है। फ्राइज तैयार हो गए। यहाँ बर्गर के लिए मैंने कुछ सामान तैयार करके रखा है। ये बर्गर है मेरे पास बेक पार्लर के, सुपर बर्गर है। इसमें 2 पीस होते हैं और ये शामी कबाब हैं, इसको फ्राई करेंगे। और ये मैंने बंद गोभी को काट के इसमें मायनीज और ब्लैक पेपर पिसी हुई शामिल की है और उसको मिक्स कर लिया है। ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, ये भी हम उसमें बर्गर में शामिल करेंगे। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप का थोड़ा बर्गर होगा हमारा, होममेड जो घर पे बना सकते हैं इजीली। इसमें मैंने ग्रीन चटनी जैसे हरी मिर्च, पुदीना और हरा धनिया लेके उसको, और उसमें लहसुन के छोड़ 1-2 पीस आप डाल दो और इसको आप ग्राइंड कर लो और इसको आप फ्रीज कर लो। तो जब भी आपको चाहिए हो आप दही में मिक्स कर लें, क्यूब्स बना के रख लें, सबसे इजी वे होता है। अब कि उसको 1 या 2 जितना भी आपको चाहिए उसमें दही में मिक्स करें तो ये आपकी ग्रीन चटनी तैयार है। और ये मैंने अंडा फेंट के रखा है, इसमें हल्का सा नमक शामिल करके इसको फेंट लें। अब हम अपना कबाब और बर्गर बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले कबाब को फ्राई करेंगे अंडे में डिप करके। ये अब हम तवे पे इस तरह शामी कबाब को फ्राई कर लेंगे। जितने भी आपको बर्गर बनाने होंगे उस हिसाब से आप शामी कबाब फ्राई कर लेंगे। ये देखें मेरे कबाब ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं। इसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे कि किस तरह हमने आगे बर्गर बनाना है, किस तरह बन पे चटनी लगाएंगे। ये देखें जब आपके सारे शामी कबाब फ्राई हो जाएंगे तो इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा अंडा इस तरह फ्राई कर लेंगे तवे पे हल्का सा। ये देखें इस तरह हमने बन को तवे पे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इससे वो गर्म भी हो जाएगा और हल्का सा फ्राई हो जाएगा। उसके बाद हमने आगे का प्रोसीजर करेंगे। बर्गर का जो लोअर साइड होता है उस पर हमने मायनीज लगा दी और उसके ऊपर साइड पर भी मायनीज लगा देंगे हल्की हल्की से, दोनों साइड पे मायनीज लगा देंगे। ये तो ना काले आने को मिले सड़ा हुआ मुझे लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर चटनी लगाएंगे। चटनी लगाने के बाद आप केचप भी लगा सकते हैं या आप शामी कबाब की टिकिया रख दें और उसके ऊपर केचप लगा दें। दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ये हमने शामी कबाब रख दिए बर्गर के ऊपर, अब हम इसके ऊपर केचप लगाएंगे हल्का हल्का सा। अब इसके ऊपर हम मायनीज वाली जो गोभी बनाई थी, गोभी से मायनीज बनाया था, मिक्स किया था, उसमें ब्लैक पेपर मिक्स की थी, वो डाल देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर अंडा रखेंगे। अंडा रखने के बाद हम इसके ऊपर हम फ्राइज रखेंगे। जो हमने फ्राइज बनाए थे वो फ्राइज हम इसके ऊपर रखेंगे। और अगर आपको खीरा पसंद है तो आप खीरा भी रख सकते हैं, पहले खीरा रख दें फिर फ्राइज रख दें। जिनको खीरा नहीं पसंद वो खीरा नहीं रखें। अगर खीरा फ्राइज रखने के बाद हम अगर आपको खीरा पसंद है तो आप इसमें खीरा भी रख सकते हैं। ये हमने खीरा रख दिया है और इसके ऊपर हम इसका जो टॉप साइड होगी वो रख देंगे। ये हमारा बर्गर तैयार है, होममेड बर्गर बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये हमारा होममेड बर्गर तैयार है बहुत ज़बरदस्त सा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।